कर लौट रहे हैं, आप कविता सुन रहे हैं, इस बात की मुझे बेहद खुशी है। और दोस्तों, हालांकि आज का दिन विजयादशमी का है और देवेंद्र जी को इसके लिए बहुत धन्यवाद, आज के दिन को हमने चुना है कविता उत्सव के लिए, इसके लिए विशेष धन्यवाद। लेकिन आज हालांकि एक खास अवसर है, आज मैं आपके लिए न तो दुर्गा, न तो दुर्गा पूजा, न ही रावण दहन पे कोई कविता लेकर आई हूँ। चलिए, ये बाकी रहा और उत्सवों पर हम कभी बाद में कविताएं सुनाएंगे, कुछ दूसरी कविताएं। ऐसा युद्ध ने मुझे लपेटा है कि अपनी कहानियों के लिए रिसर्च करते हुए मैं उसमें फंसी हुई हूँ। आप भी सुन रहे होंगे खबरें, हमारी यहाँ शांति है, अमन है, चैन है, दुनिया भर में रहे, तो इसके लिए मैं आपको कुछ वैश्विक तेवर की कविताएं सुनाऊंगी, कुछ इधर उधर की भी सुनाऊंगी। एक प्रेम कविता से शुरू करती हूँ। ये बातें हो रही हैं कि समकालीन कविता जो है उसमें वर्तमान की जो राजनैतिक चिंताएं हैं उनका कितना वर्णन है, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारी राजनैतिक चिंताएं हैं और जो हमारी राजनैतिक समस्याएं हैं वो सीधा समाज से जुड़ती हैं कहीं ना कहीं, और वहीं उनका निपटारा शुरू करना चाहिए। मैं इन्हीं कुछ विचार धाराओं के साथ अपनी बात शुरू करती हूँ, एक प्यार की कविता से शुरू करती हूँ। प्यार हमेशा ही स्वीकारे होता है, प्यार हमेशा ही एक गर्मजोशी का भाव पैदा करता है दोस्तों, लेकिन इस प्यार में लड़ाई भी हो जाती है ना। कहते हैं कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, कविता है प्यार के बिम। ये कविता जो है वो दरअसल उतनी ही प्यार पे है जितनी दखल पे। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे इसके इतने आयाम हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय मंचों के बारे में सही है, मतलब जहां मध्यस्थता की जरूरत है क्या वहां पूरी हो रही है, और जहां नहीं जरूरत है क्या वहां अतिशय हो रही है। प्यार के बिंब अपने आप निभ जाती है शादी जिंदगी कविता, अपने आप निभ जाती है शादी जिंदगी कविता, निभ जाते हैं प्यार और बिंब प्यार के भी, निभ जाते हैं प्यार और बिंब प्यार के भी, निभ जाता है संधि विच्छेद भी अगर ईमानदारी से तोड़ा गया। तो दोस्तों, ये कविता जो है मेरे दूसरे कविता संग्रह से है, और मैंने जैसा कि कहा कि कुछ बेचैन करने वाली कविताएं मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। मतलब हम सब ने 10 दिनों तक खूब उत्सव मनाया है, तो हम आराधना ही क्यों करें, हम सवाल क्यों ना करें, चाहे वह ईश्वरीय सत्ता से ही क्यों ना हो। एक कविता मैं आपको पहले संग्रह से सुनाती हूँ, रक्तिम संध्याएं इसका नाम है। ये साहित्य भंडार इलाहाबाद से प्रकाशित है। औरों की चाबियां स्थिर हो गई थी, बातें स्थिर हो गई थी, बातें संभल रहा था सब कुछ, गया था लगभग थम गया था वाक युद्ध शीत युद्ध, उनके बीच का प्रेम का घातक शीत युद्ध, लेकिन शेष थे किसी के कुछ सवाल या उनका आरंभ था, आखिर क्या थे वो सवाल, उनके जिंदगियों की तृप्ति की टोह लेते, क्या हक था किसी को आयोजित करने का ऐसे सवाल, प्रायोजित करने का ऐसे सवाल दफ्तरी एक वार्ता में। उसे याद है कि एक दिन था बिल्कुल संयत, वह घर से बाहर निकल रही थी, सब शांत था या शांतिप्रद, उसकी सब चाबियां उसके पास थीं, ये उसकी चाबियों पर से उसके अधिकार हटा लिए जाने से पहले की बात है, किसे थी उसकी चाबियां हथियाने में ऐसी दिलचस्पी, उसे हिरासत में लेकर उसके हाथ बांध कर कैंपस पुलिस ने यही पूछा था, क्या ये तुम्हारी चाबियां हैं,
तो दोस्तों, अगर आप अचानक अपने घर से बाहर कर दिए जाएं, तो ऐसी ही कोई कविता शायद आप लिखेंगे। अगर आप किसी राजनीतिक रैली में हो और वहीं से गिरफ्तार करके कहीं और पहुंचा दिया जाए, तो ऐसी ही कविता आप लिखेंगे। हमसे क्यों ऐसे सवाल पूछे जाते हैं हर वक्त, ये मुझे हैप्पीनेस के सर्वे से भी थोड़ी परेशानी है कि वैसे ही जैसे एड के जो कॉल होते हैं ना, जिनके लिए हम D&D करवाते हैं, उसी तरह से। तो दोस्तों, और भी इस तरह की कविताएं हैं। एक है कविता मेरी बेटी के पैदा होने का साल। चलिए देखते हैं कि 6 मिनट तो हो चुके हैं, 10 मिनट का वक्त मेरे पास है। एक कविता मैं इसी सामाजिक प्रक्रिया, और हम सब इसका हिस्सा हैं, ऐसे या वैसे, ज़्यादा धार, कम धार, कैसी धार, कभी अपनी धार को हम अच्छे कामों के लिए भी लगाएं, तो सोचनीय बातें हैं। एक कविता मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, ये मेरा तीसरा कविता संग्रह है, प्रत्यंचा। छोटी छोटी इसमें एक सीरीज की कविताएं हैं जिनका शीर्षक है ऊब। ऐसा क्यों होता है, हमारी जिंदगी में किन किस्मों की उकताहट है, और हम उसको किन शक्लों में ढाल कर जीते हैं। तो ये सवाल इन कविताओं में शायद उतना धारदार नहीं है, आप सुनिए। ऊब, पहली। एक, ऊन के लच्छेदार गोलों से बूंदू किसी के स्वेटर की शक्ल। हम खाली बैठे होते हैं बहुत बार, और वाकई जब मैंने स्वेटर बुनना कई बारी सीखा है और बार बार भूल भी जाती हूँ, लेकिन ये हाइकू है, ऊन के लच्छेदार गोलों से। ऊब शीर्षक है, बूंदू किसी के स्वेटर की शक्ल में। दो, उनके तिरते फिरते शब्दों से दोपहर की धूप में तितलियों के पंख पर। उनके तिरते फिरते शब्दों से दोपहर की धूप में तितलियों के पंख पर। ऊब, तीन, बातों पर महिलाओं का घर भोज दिन के खाने के बाद। बातों पर महिलाओं का घर भोज दिन के खाने के बाद। उपचार, नए सिद्धांतों का गढ़न कॉलेज स्टाफ रूम में। नए सिद्धांतों का गढ़न कॉलेज स्टाफ रूम में। उप पांच, दफ्तर के बाबू के पान की पीक, म्यूनिसिपैलिटी के नल में पानी की लीक। क्या ये दोनों ही बातें लगती हैं ठीक? नहीं लगती ना, लेकिन उबाऊ हो जाती है। तो पांच पहलू ऊब के, और एक छोटी सी कविता और इसी से, आक्रोश और ऊंची आवाज, जो चिक चिक है ना, मेरी ही नहीं, आप बाहर निकल कर देखिए, सबसे ज्यादा आप उसको आजकल गाड़ी के हॉर्न में सुनते हैं, लेकिन इंसानी आवाज भी। लेकिन कैसे कर सकते हो सवाल, लेकिन कैसे कर सकते हो सवाल, मेरी ऊंची आवाज पर जमा कर मेरे आगे आक्रोश के इतने कारण। कैसे कर सकते हो सवाल, मेरी ऊंची आवाज पर जमा कर मेरे आगे आक्रोश के इतने कारण। दोस्तों, अब हमने सड़क की बात की, तो एकदम एक अलग किस्म की कविता मैं सुनाना चाहती हूँ। इनसे मुझे बहुत प्यार है। ये जो आवारा कुत्ते हैं, आवारा भौरे नहीं, तितलियों को आवारा नहीं कहते हैं, भौरों को लेकर शायरों ने कहा है, गीतकारों ने खास करके कहा है। लेकिन ये जो आवारा कुत्ते हैं, जिनको अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रे डॉग्स, और कितनी बार इन्होंने मुझे काटा है, और मैं भी इनका साथ नहीं छोड़ पाती। मतलब इनसे क्या कहूँ कि मेरी क्या घनिष्ठता है। ये मेरा नवीनतम संग्रह है जिसमें ये नई शक्ल में आए हैं। मैंने कई को अपनाने की, घर रखने की कोशिश की, जल्दी से सुनाकर, और 10 मिनट हो गए हैं। ये लाल सुनहरे इस कविता का शीर्षक है, गोल्डन और सबसे प्यारा कथई बच्चा। आप इस कविता के भाव को
समझिएगा, और जितने भी आपके आसपास स्ट्रे जानवर हैं, गाय, भैंस, कुत्ते, बिल्ली, चिड़िया, सबको प्यार कीजिएगा। ये लाल सुनहले कुछ चितकबरे प्यारे बाबू हो गए गायब। गली में छोटे छोटे कुत्ते के बच्चे जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, उनके लिए ये कविता लिखी गई है। आंगन से अपने उठा लिए गए, बिन मांगे बिन बोले आशा है वे हैं सुरक्षित। प्यार में पलते कहीं चहकते कानों में आवाज है उनकी, याद आती हैं अदाएं मुद्राएं। अपने हाथ का बनाकर तकिया कैसे सो रहा था निर्द्वंद मिट्टी पर। छोटे छोटे कहते हैं कि ये जो कुत्ते हैं ये चौपाया नहीं है, ये दोपाया है। बहुतों ने ये बात कही है, जिस तरह से वो अपने हाथ का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह से गिलहरी को आपने देखा होगा कि अपने अगले दो पंजों में कैसे वो चीज़ों को पकड़कर खाती है। तरह तरह के फल उसको बहुत पसंद हैं गिलहरी को, जिसमें हमारे बगीचे का सारा फल उसे पसंद था, आजकल कुत्तों के कारण उसका उत्पाद कम है। ये सब एक प्रकार से दो पाए हैं और बहुत शौक से खाते हैं पकड़ कर अपने दोनों हाथों में, और अपने हाथ का तकिया लगाकर ही नहीं सोते, वो अपने सिर पर भी ऐसे करके सोते। तो वो कैसे सो रहा था निर्द्वंद, अलौकिक किसी दृश्य सा अपने देशी कुत्ते का बच्चा कितना सुंदर, जिसकी नियति में अब बहुत कम संभ्रांत घर आते हैं, जिसकी नियति में अब बहुत कम संभ्रांत घर आते हैं। आती है सड़क की भीख, मौसम की मार, लोगों की दुत्कार, हृदयहीनों की मार। जबकि बुद्धि भी है इस नस्ल के पास और दिल भी, जैसे मिलाते और झपकाते हैं आंखें। करते हैं अपने पंजे उठा उठा कर बातें, रीझ रही हूँ बाकियों की अदाओं से। आंखों में उसकी सोई हुई काया है, छोटी सी नींद से जागती अंगड़ाई उसकी। वह जहां हो खुश रहे, और जाने कि उठा ली गई उसकी एक बहन सोना भी। जाने दोनों साथ हैं या अलग, खुश हो सोना बहुत याद आता है, दरवाजा खोलकर बालकनी में उसे पाना। उसके रंग का पास है गोल्डन, रहे सुरक्षित वे सब जो पास हैं और दूर जो अगवा हो गए नाम रखे जाने से पहले। तो दोस्तों, ये जो हमारे आसपास प्रकृति है, आज मैंने पेड़ों पर और बाकी चीज़ों पर कुछ भी नहीं सुनाया, उसको लेकर ये कविता है। हम इन जीवों के प्रति दयावान रहें। 13 मिनट से ज़्यादा हो गए, मुझे 10 मिनट का वक्त दिया गया था और मैं चलती चली जा सकती हूँ, और आशा है कि आप कुत्ता जो है वो भैरों की सवारी है, अगर आप उसको एक धार्मिक दृष्टि से देखना चाहें तो, उसको निकृष्ट ना माने और उसको प्यार करें दोस्तों, इस संसार से इन जीवों से प्यार करें। और बाकी जो बातें कही गई वो तो कही गई, और आशा है कि लंबी बातें होंगी।